नमस्कार। साक्षात्कार खत्म हो, आप सब लोगों ने गजब कर दिया। आप सब लोगों का आभार, अभिनंदन, धन्यवाद, या मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि आप लोगों ने क्या वातावरण खड़ा कर दिया। आज राजस्थान में चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई अखबार हो, मीडिया हो, टीवी हो, या कोई चौराहा हो, या कोई सरकारी दफ्तर हो, वहां पर चर्चा है इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोले आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं भाई? इसमें तो सब लोग कह रहे हैं कि राजस्थान से शुरुआत होकर यहां के युवा कह रहे हैं कि भी साक्षात्कार खत्म करिए। अब लोगों को, कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा था शुरुआत में, साक्षात्कार को खत्म होता है क्या? अब लोगों को लगने लगा है कि नहीं, हो तो सकता है। तो मैंने सुबह साक्षात्कार खत्म होने का इनकलाब कैसे आएगा इसके संबंध में सवाल पूछे थे, तो बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया और वो सब किया, लेकिन सवाल कम आए थे, लेकिन आए थे सवाल, उन सवालों को मैंने टाइप कर लिया है। तो एक बार आप सब लोग आ जाएंगे तो मैं उन सब सवालों का, जो मेरे सामने आए थे, वो सवालों के जवाब जो मैं दूंगा, और उसके बाद जो है आपके, मान लीजिए कोई और भी सवाल बच जाते हैं तो आप जो कमेंट में पूछेंगे या लाइव पूछेंगे उन सब सवालों के भी मैं जवाब दूंगा। तो आप सब लोगों का आभार, अभिनंदन। आप सब लोग इतनी लेट तक मेरे को, मेरा इंतजार किया, आप पधारे सब लोग और मुझे देख रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस देश को सर्व करूंगा कुछ न कुछ, जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार। हम लोग सवाल ले लेते हैं, जो लोग लेट आएंगे वो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। सवाल पहले तो ये बता देता हूं, साक्षात्कार का खेल है क्या, फिर मैं सवाल पे आता हूं। कोई भी सरकारी नौकरी, उसमें परीक्षा के साथ साक्षात्कार होता है, और सभी बड़ी नौकरियों में साक्षात्कार की व्यवस्था इन्होंने करी है। अब आपके सामने सवाल आएगा कि साक्षात्कार क्यों, इंटरव्यू क्यों? इंटरव्यू में जो लोग बैठते हैं, मान लीजिए आरपीएससी की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो अभी मेंबर हैं, उन सब मेंबरों के पास अगर एक ही बात करें, काम क्या है, तो वो साक्षात्कार में नंबर देना, नहीं देना, कम देना और ज्यादा देना। इसके अलावा जो मेंबर है, चलो चेयरमैन का तो थोड़ा बहुत काम और भी है, जैसे पुराने चेयरमैन हबीब खान गोरान ने प्रिंटिंग प्रेस से नकल करके, चोरी से नकल करके पेपर लाए थे, चोरी करके लाए थे और नकल कराई थी अपनी बेटी को, कई जजों के बच्चों को, कई और बड़े पैसे वाले लोगों को, जिन्होंने बड़े लाखों रुपए पकड़ाए उसको उसने पेपर। ये चेयरमैन के काम तो और भी कई हो सकते हैं, लेकिन मेंबर के काम क्या है? मेंबर का प्रमुख काम यह है कि जो इंटरव्यू होते हैं उसमें नंबर। आप मुझे बताइए, अगर ये सारी परिस्थितियों के बावजूद एक निर्णय करना पड़ जाए इन नेताओं को कि भाई इंटरव्यू खत्म किए जाते हैं, राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा से इंटरव्यू खत्म किए जाते हैं, आप इधर इंटरव्यू खत्म करो और उधर ये सारे सदस्य जो आरपीएससी के हैं और चेयरमैन भी इस्तीफा देकर चल जाएंगे, भाई हमारा काम ही क्या है उसके बाद? जो असली माल का मामला है, माल कहां से आता है असली, वो असली माल आता है इंटरव्यू से। इंटरव्यू में नंबर दो चार पांच बढ़ा दो तो वो मेरिट में आ जाते हैं, दो चार पांच घटा दो तो वो नीचे आ जाता है। आप सोचिए, आरएएस की परीक्षा में जो टॉपर लड़की थी गरिमा जिंदल, उसको 100 में से 25 नंबर दिए गए, और हमारे राजस्थान के सर्वाधिक योग्य व्यक्ति, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री श्री गोविंद डोटासरा जी के सुपुत्र अविनाश डोटासरा को 85 नंबर मिले। मैंने फेसबुक पर चुनौती दी थी कि कोई एक आरएस बता देवे जिसको अविनाश डोटासरा से ज्यादा नंबर मिले हों। कितने योग्य! इसका मतलब तो है राजस्थान में उनसे योग्य कोई नहीं है। और असली बात क्या है बता दूं आपको, अविनाश डोटासरा जी ने आरएस प्री का जो एग्जाम दिया था उसमें वो फेल हो गए थे। मैं दोबारा बोल दूं इस बात को, अविनाश डोटासरा जी ने आरएएस प्री का जो एग्जाम दिया उसकी जो कट ऑफ गई वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं थे। अब आपके मन में सवाल आएगा, वो आरएएस बने कैसे?
एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट हाई कोर्ट ने दिया था कि ओबीसी के इन लोगों को एक बार मेन परीक्षा में शामिल कर लिया जाए, इंटरिम ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर नहीं, लेकिन साथ में कहा था इनको नौकरी नहीं देना। लेकिन सरकार को जल्दबाजी थी, सरकार ने इनका मेन एग्जाम लिया, मेन एग्जाम के बाद इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू में 85 नंबर टिकाए योग्यता के माध्यम से, और इनको आरएएस बना दिया। अब समझ आ गई कि वो मेंबर क्यों बनते हैं वहां पर। आप सोचिए, आज अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री पर इतना बड़ा एहसान करेंगे कि उनके बेटे को आरएएस बनाएंगे, तो क्या जिंदगी भर वो लोग काम, वो वापस काम नहीं आएंगे क्या? बीजेपी या कांग्रेस या किसी अन्य पावरफुल व्यक्ति, चाहे वो हाईकोर्ट जज ही क्यों ना हो, उसको अगर ओब्लाइज करेंगे, 5 नंबर भी ज्यादा देंगे, तो क्या वो काम नहीं आएंगे क्या? बस इतना सा खेल अगर आपको साक्षात्कार का समझ में आ जाए तो फिर हम आगे बढ़े। अब आता है कि साक्षात्कार खत्म कैसे होगा और कौन करेगा। तो पहला सवाल है, साक्षात्कार खत्म कौन करेगा? साक्षात्कार खत्म करने का जो काम है वह आरपीएससी चेयरमैन या किसी सदस्य के पास नहीं है, केवल सरकार। सरकार, राजस्थान सरकार चाहे तो एक झटके में, राजस्थान सरकार अगर चाहे तो एक झटके में साक्षात्कार खत्म कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि साक्षात्कार खत्म करने में सरकार का, सरकार में कौन व्यक्ति हुए? एक ही व्यक्ति, वो है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत। उनको अगर जनता समझा देवे ढंग से कि भाई साक्षात्कार खत्म करो, तो आज निर्णय करने का काम हो तो कल का कल निर्णय हो सकता है कि साक्षात्कार राजस्थान की सभी परीक्षाओं से खत्म किया जाता है। और उनको समझाने का तरीका क्या है? प्यार से वो समझते नहीं, उनको तो उनकी जनता यानी राजस्थान की जनता, सरकार को उनकी जनता, वोट देने वाली जनता, वो ये बताए कि साक्षात्कार अगर खत्म नहीं किया ना, तो जोधपुर की जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हो, जिस वार्ड से आप में, जिस वार्ड में आप रहते हो, वहां वोट नहीं मिलेगा। आज राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से कितने ऐसे परिवार हैं जो ये अशोक गहलोत साहब को कहेंगे नहीं नहीं साक्षात्कार चालू रखो, और ये जो आरपीएससी मेंबर और चेयरमैन पैसे खा रहे हैं ये काम चालू रखो, कितने लोग कहेंगे आप बताइए? मुझे लगता है कि इनकी विधानसभा का सर्वे करा लो ना, तो 99.9% लोग कहेंगे कि साक्षात्कार बंद करो। तो मुझे लगता है आप समझ गए कि साक्षात्कार खत्म कैसे हो सकता है। एक विधानसभा क्षेत्र के व्यक्ति अगर एक बार ढंग से मुख्यमंत्री जी को कांच दिखा देवे और ये मांग कर दे एक स्वर में कि भाई साक्षात्कार खत्म करो, तो ये खत्म हो जाएगा। और खत्म नहीं किया तो खुद का करियर भी और अपने सुपुत्र का करियर भी, दोनों चौपट हो जाएंगे एक साथ ही। बस यह बात आपको अगर समझ में आ जाए तो ये साक्षात्कार खत्म हो जाएगा। मैं एक बार सवाल लेता हूं, फिर आपके और जो सवाल होंगे मैं उसको भी आपके सामने रखूंगा। जो लोग कुछ और इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनका भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल उसमें आया था सुबह, क्या लिखित परीक्षा 100% सही होगी? बिल्कुल, ये बात आपका वाजिब सवाल है। जैसे मैंने आज उदाहरण बताया था, आपने देखा हो तो, आरएएस की परीक्षा में डोटासरा जी के समधी हैं, उनके बेटा और बेटी गौरव और प्रभा का सिलेक्शन हुआ। चौथे पेपर में 99.5 नंबर आए दोनों के। और अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ा लिखा आदमी मुझे देख रहा है तो किसी पेपर में दोनों के नंबर 99.5 आए, इसका सीधा सा एक मतलब है कि दोनों ने कॉपी खाली छोड़ी थी, और वो कॉपी या तो चेयरमैन श्री भूपेंद्र यादव ने भरी है या भूपेंद्र यादव जी ने किसी और से भरवाई है। क्योंकि तीसरे आदमी को उतने ही क्वेश्चन आते थे जितने उसने प्रभा की कॉपी में लिखा, और उतने ही क्वेश्चन आते थे जिसको गौरव की कॉपी में लिखा। यह बात सत्य है कि लिखित परीक्षा आज कौन सी ठीक है, और अगर लिखित परीक्षा में जितनी गड़बड़ी हो रही है वो साक्षात्कार के होने से कैसे ठीक हो जाएगी? साक्षात्कार के खेल में तो 100% ही गड़बड़ है। आप इस पूरे परिणाम को देख लीजिए,
पूरे परिणाम में 80 या उससे ज्यादा नंबर किसको मिले हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आप सारी मार्कशीट ढूंढ लीजिए या आप मुझे कोई भी कैंडिडेट का नाम बताइए और उसका मेरिट क्रमांक बताइए, मैं इसकी मार्कशीट फेसबुक पर डाल दूंगा मेरे पेज पर, और आप देख लीजिए एक भी कैंडिडेट को जो या तो जिसके पास पैसा नहीं है या जिसके पास अप्रोच नहीं है उसको ढंग के नंबर नहीं मिले। और इसका प्रमाण दिया है कि जो लिखित परीक्षा की टॉपर थी उसको 25 नंबर देकर बाहर किया। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि उस लड़की का जो गृह राज्य था वो हरियाणा था, इसलिए आरपीएससी ने उसको कम से कम नंबर दिए, इस आरएस से बाहर किया। मैं कल पढ़ रहा था स्टेटमेंट पूर्व आरपीएससी चेयरमैन सीआर चौधरी साहब का, और उससे पहले एक दिन अखबार में छपा था भूपेंद्र यादव जी का इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में दोनों ने क्या बोला कि इंटरव्यू लेने वाले को यह पता ही नहीं होता है कि यह व्यक्ति कौन है, इसके रोल नंबर क्या है। इंटरव्यू लेने वाला केवल सवाल पूछता है और नंबर देकर जाता है, इतना ही काम होता है। तो मुझे बताइए इंटरव्यू लेने वाले को यह कैसे पता चला कि वो जो टॉपर लड़की जिसको 25 नंबर देने हैं वो कहां की रहने वाली है। क्यों झूठ बोलते हैं ये लोग और कैसे युवाओं को मूर्ख बना पाएंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिटर्न पेपर की। इंटरव्यू खत्म करने के संबंध में एक ही तर्क सारे लोग देते हैं, भूपेंद्र यादव जी तर्क देते हैं कि व्यक्तित्व कैसे चेक करेंगे। पहली बात, पूरी दुनिया में व्यक्तित्व चेक करने के कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं। व्यक्तित्व चेक करने के लिए आप एक पेपर बढ़ा दीजिए, दूसरा पेपर बढ़ा दीजिए जो उसकी पर्सनैलिटी को से मैच करेगा या पर्सनैलिटी को आपको प्रदर्शित करेगा। क्या समस्या है? ऐसा नहीं करेंगे ना ये लोग, क्योंकि इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे। मेरा यह कहना है साक्षात्कार तो बंद होना ही चाहिए, और लिखित परीक्षा की जो बात चल रही है लिखित परीक्षा को और फुल प्रूफ बनाया जाना चाहिए। मैंने खुद ने आरएस का पेपर दिया भाई, जब हबीब खान गोरान के खिलाफ मैंने एफआईआर दर्ज कराई और वो फरारी काट रहा था, फरारी काटने के बाद आरएस की परीक्षा हुई, तो उस आरएस की परीक्षा किस प्रकार हो रही है, उसमें नकल का क्या गुंजाइश है, व्यवस्था फुल प्रूफ है कि नहीं है, वह एग्जाम मैंने भी देखकर देखा था। केवल इसलिए गया था परीक्षा केंद्र पर कि वो एग्जाम में क्या सीन चल रहा है। लेकिन उस एग्जाम में मुझे याद है कि चप्पल बाहें जो आस्तीन है उसमें आस्तीन वाली कोई नहीं पहनना, और मतलब बहुत सारी सख्ती करके एक सरकारी कर्मचारी हर कमरे में रहेगा अलग अलग, 70,000 के आसपास फोर्स दी थी, 7,000 के आसपास फोर्स दी थी पुलिस ने, कुल मिलाकर के उस एग्जाम को ठीक करने की कोशिश की थी हबीब खान गोरान के घर जाने के बाद या जेल की तरफ जो रास्ता हुआ था उसका उसके बाद। मुझे बताइए क्या समस्या है? अगर आपकी मंशा मुख्यमंत्री की मंशा हो तो पूरी परीक्षाओं को ठीक किया जा सकता है, नकल हो ही नहीं सकती। नकल हो रही है तो कोई ना कोई गैंग में नेता शामिल है, पुलिस का कोई ना कोई व्यक्ति शामिल है, प्रशासन का कोई ना कोई व्यक्ति शामिल है, स्कूल जिसमें परीक्षा हो रही है उसका कोई ना कोई शामिल है। इनके अभाव में नकल हो ही नहीं सकती, फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता। तो मुख्यमंत्री की मंशा हो तो लिखित पेपर ठीक हो सकता है। और अब अगली बात कि मान लीजिए कि लिखित साक्षात्कार के अभाव में कोई ऐसा मान ले कि 2-4 लोग जो रिटर्न एग्जाम तो ठीक करेंगे लेकिन उनकी पर्सनैलिटी इतनी बढ़िया नहीं होगी, कोई बात नहीं, आपके पास 1-2 लोग अगर 100 में से ऐसे आ भी जाएं जिनकी पर्सनैलिटी आप चेक नहीं कर पाए हो साक्षात्कार के बिना, तो उनका प्रोबेशन काल चलेगा 2 साल तक। उस प्रोबेशन काल में तो आपको पता चल जाएगा ना, जब आप इतने योग्य हो 20 मिनट में इंटरव्यू लेकर उसकी व्यक्तित्व पता चला लेते हो तो 2 साल तक उसका प्रोबेशन चलेगा, उसमें तो पता चलेगा आपको कि उसकी व्यक्तित्व कैसा है, उस समय निकाल देना। 98 लोग तो ठीक आएंगे, आज कितने लोग आ रहे हैं? आज 70 लोग 80 लोग जो है इंटरव्यू में पैसे देकर अप्रोच कराकर नेताओं के रिश्तेदार जजों के बच्चे वो आ रहे हैं। दुर्भाग्य उन लोगों के लिए जो योग्यता से पेपर देना चाह रहे हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है ना तो आप सपना ही मत लीजिए इंटरव्यू में नंबर लेने का। तो ये मेरे पहले सवाल का जवाब था। दूसरा, साक्षात्कार की जगह कौन सी परीक्षा हो सकती है, मैंने बता दिया आपको कि ऐसे कई सारे एग्जाम हो सकते हैं एबिलिटी चेक करने के, पर्सनालिटी चेक करने के,
वो सारी चीजें उस पर शोध करके आप ला सकते हैं। और अन्यथा मैं तो कहता हूं आप जो पेपर चल रहा है उसी को कराइए, साक्षात्कार के नंबर बीसी में ऐड कर दीजिए, साक्षात्कार मत लीजिए। क्या सभी परीक्षाएं और साक्षात्कार न्यायालय के द्वारा करा जा सकते हैं? ये जिस मित्र ने पूछा है ना, उसको मित्र को ये लगता है कि न्यायालय बहुत ईमानदार है, तो मुझे लगता है कि मैं मुस्कुराने से आप समझ जाएंगे न्यायालय के बारे में बोलूंगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे देंगे मेरे को। लेकिन मैं बोल ही देता हूं, न्यायालय खुद इतने करप्ट हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। कितने हाईकोर्ट जजों ने अपने फैसले में लिखा है कि हमारे हाईकोर्ट में जज करप्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने रिटायरमेंट होने के बाद कहा है कि हमारे कोर्टों में भयंकर करप्शन है। तो इस साथी को जवाब मिल गया होगा कि न्यायालय जो है वो कैसे काम करता है, वो आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। अब अगला सवाल आपके सामने आता है कि आरपीएससी पहले आरजेएस की परीक्षा करा रहा था, हबीब खान गोरान साहब ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी किए, उसके बाद हाईकोर्ट को मौका मिला, हाईकोर्ट ने खट पेपर छीन करके खुद ने कराना शुरू कर दिया। मुझे बताइए हाईकोर्ट के पास ऐसी कौन सी योग्यता है पेपर कराने की जो आज वो करा रहे हैं? और हाईकोर्ट अगर पेपर करा रहा है, वो इंटरव्यू ले रहा है, तो वो इंटरव्यू में नंबर, आपको लगता है आपको नंबर ज्यादा देंगे? क्यों, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है क्या जजों के? क्या उनकी नेताओं से सेटिंग नहीं होती क्या इंटरव्यू लेने वालों की? उनकी भी होती होगी। एक बार राजस्थान से आरपीएससी वगैरह हम जहां जहां इंटरव्यू होता है इनको बंद करा देवे, उसके बाद हम पीछे लगेंगे हाईकोर्ट के भी। और राजस्थान से इंटरव्यू खत्म होने के बाद हम बात करेंगे देश में कि भाई यूपीएससी वाले तुम भी बंद करो, ओम बिड़ला की बेटी को नंबर ज्यादा क्यों, उसमें कोई खास बात है क्या? तो कुल मिलाकर खास बात है कि ओम बिड़ला हजारों करोड़ के व्यक्ति हैं और बीजेपी में ठीक ठीक सी सेटिंग रखते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे देश से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, ऐसी हमारी मंशा, और होगा। मैं आज तक जितनी बार मैं बोलता हूं आपको शुरुआत में हो सकता नहीं लगे, लेकिन मैं फिर कहता हूं यह होगा और होकर ही रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हालात देखिए आप, आज कहां चर्चा नहीं हो रही, सब जगह चर्चा हो रही है, यह मैं बात करना चाह रहा था। व्यक्तित्व वाली बात मैंने बता दी आपको, वैसे तो उसमें सवाल इससे हटकर आए थे कि कोई फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी लग जाता है, तो इसको आप तसल्ली से सुनिएगा बात को। यह राजस्थान में इतनी विकराल समस्या हो चुकी है जिसकी कोई हद नहीं है। फर्जी प्रमाण पत्र किसको कहेंगे? सबसे पहले तो आपको यह व्यवस्था समझ में आनी चाहिए कि ओबीसी आरक्षण और ईडब्ल्यूएस आरक्षण यह किसी जाति को नहीं है, यह उस जाति के गरीब व्यक्ति को है। तो यह गलतफहमी लोगों को है कि मैंने मान लो माली के घर में या जाट के घर में जन्म ले लिया है तो मैं ओबीसी हो गया हूं, यह गलतफहमी हो गई है, यह गलतफहमी निकाल लीजिए। या मान लीजिए मैंने राजपूत के घर में जन्म लिया है या ब्राह्मण घर में जन्म लिया है तो मैं ईडब्ल्यूएस हो गया, नहीं है। ये दोनों आरक्षण इस आरक्षण आरक्षित वर्ग में आने वाली जातियों के गरीब लोगों के लिए है। और अगर ओबीसी आरक्षण की मैं बात करूं जिसकी चर्चा इस विषय पर चल रही है, उस ओबीसी आरक्षण में आरक्षित जो लोग हैं, या मान लीजिए किसी एक जाति की बात करें, माली, यादव, जाट, विश्नोई, चारण, सुथार, सुनार, कुमार, जितनी भी जातियां हैं ओबीसी माने वाली, उनके 1% लोग ही सक्षम है। 99% आज भी बहुत परेशानी में है, उनकी दैनिक रोजी रोटी की भी समस्या है 99%। और वो 99% के जो बच्चे हैं वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं और उनमें सिलेक्शन नहीं होता। वो जो 1% लोग जो है, जो उस समाज के उन जातियों के पावरफुल सक्षम अप्रोची और पैसे वाले लोग हैं, 70% लोग वही नौकरियों में आ गए हैं। मैं ठीक कह रहा हूं, 30% लोग भी वो उन जातियों के जो कानून में लिखा हुआ था गरीब लोग, यानी नॉन क्रिमिलेयर, जिसका प्रमाण पत्र ओबीसी का बनता है वो होने चाहिए थे। और प्रमाण पत्र किन्होंने बना लिया? जो लोग क्रिमिलेयर थे, यानी जनरल की तरह फाइट करना चाहिए था, उनका प्रमाण पत्र ही नहीं बन सकता। आज वो सारे लोगों ने उन 99% गरीब लोगों का, मतलब खुद की जाति के गरीब लोगों का ही हक मार दिया। और वो गरीब लोग क्यों नहीं बोलते पता आपको?
इसका कारण यह है कि वो 1% लोग जो है ना, सक्षम लोग, वही उन 99% के नेता है। वो 99% वही बात बोलते हैं जो 1% के लोग कहते हैं, सक्षम लोग कहते हैं, उस जाति के सक्षम लोग कहते हैं। गरीब लोगों में बोलने की हिम्मत नहीं है, उनको तो केवल जय हो करनी आती है। जय हो किसकी? उस 1% खुद की जाति के सक्षम लोग जो है, जो ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हैं, उनकी जय हो करने के अलावा उनकी हिम्मत नहीं है। अब चूंकि ये बात चल पड़ी है, आज राजस्थान का कौन सा बच्चा है जो ये बात नहीं जानता? आप ये जो विरोध देख रहे हो ना, साक्षात्कार, अपन तो बात कर रहे हैं साक्षात्कार की, और कुछ लोग बात कर रहे हैं जाति की। पता है क्यों कर रहे हैं? वो जो 1% सक्षम लोग है ना, वो फाइनेंस कर रहे हैं कुछ गुंडे मवालियों को, आईटी सेक्टर के लोगों को, कि आप लोग चिल्लाकर इस आंदोलन को दबाइए। जबकि जितना आंदोलन दबाने की कोशिश होती है, आप जानते हैं क्या होता है? जितना ये गुंडे बदमाश मवाली बात करेंगे, बकवास करेंगे, उतने ही 99% लोग जागेंगे। आप सोचिए, आपके गांव में सरपंच फर्जी 8वीं की टीसी लेकर, 10वीं की टीसी लेकर चुनाव लड़ रहे थे, तब क्या हालात हुए थे? आज राजस्थान के किन लोगों को यह पता नहीं है कि ओबीसी का आरक्षण केवल गरीब को मिलना चाहिए? कांग्रेस अध्यक्ष, शिक्षा मंत्री जी, एमएलए, 3 बार एमएलए डोटासरा जी का बेटा ओबीसी से जब बनेगा, तो उस जाति के 99% गरीब कहां जाएंगे? और इनको कब तक मूर्ख बना पाओगे आप लोग? नहीं बना पाओगे ना। आप सोचिए, जनरल के जो सक्षम लोग हैं, वो 1% जनरल के भी, वो 1% लोग अगर ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सर्टिफिकेट बनाकर नौकरियों में आएंगे, तो बेचारे जनरल के 99% कहां जाएंगे? और चूंकि वो जनरल के 99% लोगों के नेता भी वो 1% जनरल के लोग हैं, उनको भी बेचारों को जय हो के अलावा कुछ नहीं आता। तो ये लड़ाई किसकी है? अपात्र और पात्र लोगों के बीच में। जिन अपात्र लोगों ने पात्र लोगों की के हक को मारा है, यह लड़ाई उनके बीच में है। और यह लड़ाई कैसे, इसका अंत कैसे होगा? जब आपके में जागरूकता आएगी। आपको कोई भी कुछ कहकर भड़काए, लेकिन आप अपने विवेक का तो इस्तेमाल करिए कि बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप मेरी आलोचना करने की बात चलती, कोई बात नहीं, आप मेरी आलोचना करिए, खूब आलोचना करिए, जितनी कर सकते हैं करिए। लेकिन आलोचना करने के बाद जब आपका घर में सोने का मन करे, तब एक बार अकेले अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि मैंने क्या गलत बात कही है क्या। आप अगर 1% सक्षम लोगों में से नहीं आते हैं, तो क्यों इस भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं? और अगर आप 99% लोगों में से आते हैं, आपके परिवार के लोग गरीब हैं या सक्षम नहीं है उतने, जो कानून में लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं आपके हक की बात की जाए? अगर मैं आपकी बात, आप तक ठीक बात पहुंचा पाया हूं, तो सोचिएगा। और कितना सा करना है, देखिए मैं दोबारा बोलता हूं आपको, कोई भी बात जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ शुरू होती है, परिणाम आता है। शुरुआत में विरोध होगा, मुझे पता है विरोध होगा, धमकियां भी मिलेगी, खानदान खत्म करने की धमकियां भी मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेगी, लेकिन इन सब के बीच में एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी। वो आ रही है लगातार सामने आपके, आपको सब समझ में आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब चीजें। आपको ये जातियों में उलझाने की कोशिश करें ना, उलझना नहीं है। कई बार कुछ लोग जो है प्रवोक करते हैं दूसरी जातियों को, आप उनको गलत भाषा में जवाब मत दीजिए, कोई भी जाति मत दो। फिर ये क्या करेंगे, ये बीमार लोग हैं, ये अटेंशन सीकर लोग हैं, इनको अटेंशन चाहिए। और जब आप इनको जवाब नहीं दोगे ना, तो इनको ऑटोमेटिक सजा मिल जाएगी। और ये अटेंशन सीकर क्या है, या तो 1% सक्षम लोगों में से है, या इनके द्वारा वैतनिक कर्मचारी जो होते हैं, इनके वैतनिक कर्मचारी, उनके पास पैसा बहुत है ना। अब आज मेरा जो ये लाइव देख रहे हैं आप लोग, इससे राजस्थान के हजारों और हो सकता है 1,00,000 से भी ज्यादा लोग, जो फर्जी ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाकर कई जगहों पर सेट हो गए हैं, जो थे तो क्रिमिनल लेकिन नॉन क्रिमिनल बनकर के और प्रमाण पत्रों के माध्यम से, फर्जी प्रमाण पत्रों के माध्यम से नौकरी लग गए हैं। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी प्राप्त करना या कोई अन्य लाभ प्राप्त करना या चुनाव लड़ना, तीनों ही अपराध हैं। और इस अपराध पर FIR दर्ज होगी थाने में, अनुसंधान होगा, गिरफ्तारी होगी, जेल जाना पड़ेगा, जमानत होगी, ट्रायल चलेगा और उसके बाद सजा होगी। ये कानून में पहला प्रावधान।
दूसरा प्रावधान यह है कि आपका जो फर्जी प्रमाण पत्र बनने से आपको जो लाभ मिला है, नौकरी मिली है, उससे आपको बर्खास्त किया जाएगा। और तीसरा यह है कि जो वेतन या लाभ आपने नौकरी से प्राप्त कर लिया उसकी वसूली की जाएगी। चिंतित हो गए कुछ लोग, जो लोग मुझे देख रहे हैं सोच रहे हैं, अरे यार हमको तो पता ही नहीं था। और एक मजेदार बात सुनिए, 2018 और उससे पहले जिनकी 2.5 लाख इनकम थी वो ओबीसी नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान में 2009 के बाद से लगातार तहसीलदार और एसडीएम 2.5 लाख उनको पता नहीं था और 4 लाख से कम इनकम वालों के ओबीसी प्रमाण पत्र बना रहे थे। अब ये गलती उनकी नहीं है, बालकों की गलती नहीं है, इसमें गलती सरकार की है। सरकार ने अपडेट नहीं किया कि वो जो 2.5 लाख इनकम को बढ़ाकर सरकार ने 4 लाख किया था, हाई कोर्ट ने उसको वापस रिवर्स करके 2.5 लाख कर दिया। और इस बात को ढंग से सरकार ने नहीं पहुंचाया तो कुछ इनोसेंट लोग भी इस चपेट में आ गए और उन्होंने अपने पिता माता की इनकम या परिवार की आय 4 लाख से कम बता करके ओबीसी का प्रमाण पत्र बना लिया। मैं कुछ सर्टिफिकेट देख रहा था, उन सर्टिफिकेट के जो फॉर्मेलिटी पेश की गई थी वो 2.5 लाख से ज्यादा है, इसके बावजूद उनका ओबीसी प्रमाण पत्र बन गया। अगर आपको बात समझ में आई हो तो आप इसको गंभीरता से लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि 99% जो पात्र लोग थे इस आरक्षण के, फाइनली 99% में से बहुत सारे लोग जब इसमें लाभ उठा लेते तो फिर 98 बचते, फिर 95 बचते, फिर 90 बचते। अंतिम रूप से ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जाति के प्रत्येक गरीब व्यक्ति तक, पिछड़े व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचना चाहिए था। और यही रचना ईडब्ल्यूएस आरक्षण की है। ईडब्ल्यूएस में भी जो सक्षम व्यक्ति है वो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र नहीं बना सकता, उसमें भी धीमे 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 करके सक्षम बनाते हुए अंतिम गरीब पिछड़े व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। तो कोई भी आपके आसपास ईडब्ल्यूएस का या ओबीसी का फर्जी प्रमाण पत्र बना रहा है तो उसको नहीं बनाना चाहिए, और अगर बना लिया है तो कानून के मुताबिक उस पर काम होना चाहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि भी ये अब खत्म कैसे होगा खेल। तो खत्म, पहला नंबर वन, ओबीसी आरक्षण में जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं, अगर हम इंडिविजुअली किसी की बात करेंगे तो इन्होंने हक मारा है अपनी ही जाति के लोगों का, तो वो तो काम वो अपने आप वो लोग करेंगे, हमको उस पर अभी उतना गंभीर होने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, कानूनी प्रक्रिया जो भी है वो अपने को अपनानी चाहिए। ये लेकिन ये तो इंडिविजुअल मुद्दा है। अंतिम रूप से बड़ा नुकसान तो हो रहा है साक्षात्कार से। साक्षात्कार, आप बताइए साक्षात्कार कौन चाहता है? मुझे लगता है कोई मेरा विरोधी भी अगर इसमें कोई कमेंट कर रहा है ना, उससे भी दिल पर हाथ रखकर पूछिए तो वो भी कहेगा भाई साक्षात्कार में तो गड़बड़ होती है। साक्षात्कार तो राजस्थान से बंद होना चाहिए, पूरे भारत में बंद होना चाहिए। साक्षात्कार की बजाय ऐसी प्रणाली अपनाई जानी चाहिए जिसमें कोई कृपा नहीं बरसा सके किसी पर, जिसमें कोई नेता, जज का बच्चा, पैसे वाले का बच्चा वो ज्यादा नंबर नहीं ले सके, ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। साक्षात्कार तो तुरंत बंद होना चाहिए, और इसका एक ही तरीका है, आप जहां पर हो, जैसे हो, जितनी क्षमता में हो, उस क्षमता के अनुसार आप हिंद की जय करिए, वंदे मातरम करिए, भारत माता की जय करिए, इन सब तरीकों से इनकलाब आएगा। आप सोचिए, मुख्यमंत्री की ईमेल आईडी पर अगर राजस्थान के लाखों लोग ईमेल करें कि हमको साक्षात्कार नहीं चाहिए, आपको लगता है गौर नहीं करेंगे क्या? ब्लास्ट हो जाएगी इनकी वेबसाइट, ये झेल नहीं पाएंगे इतनी ईमेल। तो बहुत तरीके हैं, सबसे पहले हमको ये विषय समझ में आना चाहिए, और विषय समझ में अगर आ जाए तो फिर हमको चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं, आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं कुछ आगे चीजें शेयर करता हूं। आपका सवाल अगर आ जाए, हाँ ये सवाल मेरे को बहुत झेलना पड़ता है। कमल शर्मा जी कह रहे हैं, सर आपका इरादा क्या है, आप भी राजनीति में आ रहे हो क्या? कमल जी, आप सच ईमानदारी से बताओ, मेरे लक्षण आपको लगते हैं कि राजनीति में आने लायक? राजनीति में आने वाला व्यक्ति इसको खुश रखता है, उसको खुश रखता है, किसी को खुश रखता है, जाति को खुश रखता है, अपने वोट बैंक क्रिएट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लक्षण से आपको लगता होगा कि मैं कोई ज्यादा लायक व्यक्ति हूं इसके। और अगर मैं लड़ भी लिया तो मुझे कोई वोट भी नहीं देगा। ये सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इसको मौका आने दो, कभी चुनाव लड़ो तो इसको हम सिखाएंगे सबक। तो कमल जी, मैंने आपका जवाब देने का कोशिश किया है।
हीरालाल जी जांगीर कम से कम एक व्यक्ति, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं था। इनकलाब जिंदाबाद अगस्त क्रांति, ये गुजर साहब लिख रहे हैं साक्षात्कार खत्म करो, हम युवा एक है, सभी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है एक बात और शेयर कर लेता हूं, अभी काम की बात मुझे याद आ गई। अभी कुछ समय पहले सब इंस्पेक्टर के फॉर्म भराए गए और 20 दिन बाद ही, लगभग 20 दिन भी नहीं, बहुत कम टाइम है, महीना भर मान लीजिए, महीने भर में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा करा रहे। राजस्थान में आरएएस के बाद सबसे बड़ी परीक्षा कहलाती है तो वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा, जिसमें लाखों लोग बैठते हैं। उस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा को ये आरपीएससी और सरकार जल्दबाजी में करने में है, दूसरी परीक्षाएं पेंडिंग पड़ी वो नहीं कराएंगे, इसको कराएंगे, क्योंकि इसमें बड़ी रकम इन सदस्यों ने, चेयरमैन ने और सरकार के बड़े नेताओं ने ले रखी है। वो रकम हजम कैसे होगी? अगर ये परीक्षा तुरंत नहीं होगी तो फिर ये लोग पैसे वापस लेंगे सब लोग। तो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में जितनी जल्दबाजी ये लोग कर रहे हैं, 4 सितंबर को परीक्षा करने की बात करें जबकि 4 सितंबर को कई सारे डिग्री कोर्सेज और अन्य कोर्सेज की परीक्षाएं चल रही है। तो कुल मिलाकर ये सारे लोग बेईमान एक साथ इकट्ठे होकर आपके खिलाफ, यानी जनता के खिलाफ, यानी नागरिकों के खिलाफ, यानी मालिकों के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो आप सबको मिलकर ये देखना पड़ेगा। देखिए मेरे से निश्चित रूप से वो लोग नाराज होंगे जिन्होंने ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है, या एससी एसटी का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है, या एमबीसी या अन्य आरक्षण की व्यवस्था से, क्योंकि वो लोग पावरफुल लोग हैं, उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है। और मेरे से नाराजगी क्या है पता आपको? मेरे से केवल एक नाराजगी है, ये जनता को क्यों बताता है? और कोई नाराजगी मेरे से हो ही नहीं सकती भाई, मेरे से क्या समस्या हो सकती, किसी को बताइए आप मुझे। मेरे से केवल एक समस्या है कि मैंने आपको बात बता दी, आपको सच्चाई बता दी, मैंने आपको हक और अधिकार बता दिए आपके, और कानून बता दिया। आप में से जितने लोग मुझे देख रहे हैं बताइए, इसके अलावा मेरे से क्या नाराजगी हो सकती किसी की? तो कुल मिलाकर के ये सब खेल चल रहा है। बीकानेर में सबसे ज्यादा ओबीसी प्रमाण पत्र बन रहे हैं। देखिए प्रभु जी, ये जो फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे हैं, ये जिनका हक मार रहे हैं वो सब लोग देखें अपने आसपास, पड़ोस में, रिश्तेदारों में, जानकारों में, कि किसने फर्जी प्रमाण पत्र बना करके और ये नौकरी प्राप्त की है। और कोई सवाल हो, अब अपन केवल सवाल की, जो लोग कमेंट कर रहे हैं केवल सवाल करें ताकि मैं कोई चीजें छूट नहीं जाए। इसके बाद मैं आपसे जो है ये वीडियो भी खोल देता हूं ताकि आप सब लोग वीडियो पर भी मेरे से बात करके सवाल कर सकें। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना कि भाई ओबीसी किस क्रिमिलेयर कौन होंगे, नॉन क्रिमिलेयर कौन होंगे, गरीब कौन होगा, अमीर कौन होगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, फेसबुक पर डालिए ओबीसी कौन, इतने में मेरा वीडियो आ जाएगा। उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से विनम्रता से मैंने समझाया है, आप लोगों के लिए आसान होगा वो समझना। मैंने वीडियो ऑन कर दिया है, मैं कुछ साथियों को जोड़ लेता हूं। परमानंद जी तर्ड, मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो इंटरनेट पर रहे और जो भी उनके सवाल है या जो उनके मन में प्रश्न है या कोई शंका है तो मेरे से पूछे। परमानंद जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। परमानंद जी आप अंधेरे में हैं, लाइट चली गई है सर, दिखाई नहीं दे रहे आप। अच्छा बताइए परमानंद जी। सर मैं आपका वीडियो ही देख रहा था। हां हां सर, आपने ओबीसी के बारे में इतनी अच्छी डिटेल दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परमानंद जी, नमस्कार आपको। ना सर हमारे को तो इतना पता ही नहीं था ओबीसी के अंदर इस प्रकार की मतलब कैटेगरी होती है, इस प्रकार का प्रमाण पत्र बनता है। हाँ सर, जानकारी के अभाव के कारण लोग पिछड़ जाते हैं। हाँ सही बात है, एक बड़े वर्ग जो पिछड़ा है, गरीब है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है आप जैसे जागरूक लोग जितने भी राजस्थान में हैं वो कोशिश करेंगे कि जिनको अब उनके अधिकारों का पता नहीं है उनके अधिकारों तक उनको पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा आग्रह आपसे। जी सर, धन्यवाद। ये परमानंद जी थे, उनके लाइट चली गई थी। ये बीरबल नाथ जी सिद्ध है ज्ञानी, मैं इनको निवेदन करता हूँ लाइट में रहें और इंटरनेट में रहें ताकि इनके मन में साक्षात्कार खत्म करने से संबंधित कोई भी सवाल हो तो वो पूछ पाएंगे।
बीरबल जी शायद आ नहीं पा रहे हैं। मैं ये जितने लोग आ रहे हैं मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैं दोबारा निवेदन करता हूँ जो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वो इंटरनेट में रहें और इंटरनेट में रह करके और सवाल पूछें, ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है, मैं इनको वापस हटा करके मैं दूसरे साथी को जोड़ता हूँ। बीरबल जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, गणेश जी जांगीड हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो जुड़े। जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इंटरनेट में रहें और लाइट में रहें ताकि आपको देख सकें लोग और आपकी बात को सुन सकें, ये मेरा आग्रह है आप सब लोगों से। तो क्योंकि इसके अभाव में लोगों का समय जो है वो जाया जाता है, खराब होता है, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग ये जो अभियान है, ये आंदोलन है, अगस्त क्रांति है, जिससे अंग्रेजों भारत छोड़ो की बात हुई थी, देश आजाद जो हुआ था वह उन स्वतंत्रता सेनानियों से हुआ था जिन्होंने अपनी जान दी, तो हमको इस आजादी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और हमारे अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। छगन जी मेघवाल है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, वो शायद इंटरनेट में हुए तो उनको जोड़ेंगे। छगन जी मेघवाल, जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो कृपया उसमें रहें, इंटरनेट और लाइट में। मैं दोबारा निवेदन करता हूँ आपसे, छगन जी अपने से जुड़ नहीं पा रहे। शिवराज कुरोली जी साहब हैं, मैं उनको कहता हूं कि वो जुड़े। लक्ष्मण मोदी साहब कह रहे हैं साक्षात्कार खत्म नहीं, सुधार जरूरी। मोदी साहब मैं आपको निवेदन कर दूं कि बीजेपी और चाहे कांग्रेस हो, कोई सुधार नहीं करना चाहता है, ये बात ही बकवास है सुधार की। ये सुधार की बात करने का मतलब यह है कि हम उस ये मतलब फोड़ा जो है, फुंसी जो थी, फोड़ा बनने के बाद ये इतना विकराल रूप ले चुका है कि अब इसमें सुधार गुंजाइश नहीं। इसको तो काट कर ही किनारे फेंकना पड़ेगा, इस फोड़े को, इसमें जो पस पड़ गई है उसको खत्म करना पड़ेगा। एक ही उपाय है, मुझे बताइए मोदी साहब, जब 99% लोग नहीं चाहते हैं इंटरव्यू हो तो हम क्यों चाहते हैं इंटरव्यू हो? ये शासन तो जनता का है ना, नागरिकों का है ना। तो मैं आपकी बात को ये कह करके मैं निवेदन करता हूं कि आप इसको समझें विषय को। मैं सुरेश जी शर्मा है उनको निवेदन करता हूं कि वो नेट में रहें, लाइट में रहें और एक बार सब साथियों से बात करें। सुरेश जी शर्मा, मुझे लगता है जो लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इंटरनेट में नहीं है। जी सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर, बहुत क्या सवाल अच्छा है लगा, आपका? बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। जी कोई सवाल है क्या आपका, हाँ सर, बताइए। सर ये जो आजकल चल रहा है सर, ये भ्रष्टाचार बहुत मतलब बहुत तेजी से फैल रहा है, ये कैसे खत्म होगा सर? ये इस तरह का कब इसका तक तरीका, चलेगा? आप अपनी आवाज को बुलंद करिए, बस एक ही ऑप्शन है। आप अपने आसपास, पड़ोस, गांव, जिले, शहर में यह बात जी उठाइए कि साक्षात्कार खत्म होना चाहिए। आपके नेता बड़े कमजोर होते हैं, जैसे ही आप जी कहोगे जी ना हम जी वोट नहीं देंगे तो भाग खड़े होंगे मैदान में छोड़ करके, चिंता जी मत करिए, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, धन्यवाद बड़ा शर्मा दुख जी। होता है। कोई सवाल, जो लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ, कोई सवाल हो ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मेरा आग्रह है उनसे। मैं हनुमान गुजर कंकराला ऐसा कुछ लिखा रहा है, उनसे निवेदन करूंगा कि वो इंटरनेट और लाइट में रहें। देखिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, भरोसा करने के कारण से उनकी अपेक्षाएं भी ज्यादा है। मैं कोशिश भी करता हूं कि उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं, उसमें कहीं कमी कोशिश करता हूं नहीं आए। हाँ भाई गुजर साहब आप साहब, अंधेरे में? अच्छा, हाँ भाई साहब, लाइट गई हुई है अभी, बारिश का कहां से मौसम बोल रहे है। हैं गुजर साहब? मैं दूदू जयपुर से बोल रहा हूँ भाई साहब। हाँ गुजर साहब, सवाल पूछिए आपका। सर सवाल मेरा यही है कि ये जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर लगाम कैसे लगाएं, जो घपला देखो हो मैं एक रहा। बात कहूँ, ये भ्रष्टाचारी बहुत कमजोर लोग हैं, इतना मानिएगा, और इन कमजोर लोगों पर चोट करने का तरीका एक ही है कि आप लोग जागृत हो जाएं। आप अपने अधिकारों, हकों के प्रति जब जागरूक हो जाएंगे तो ये सब लोग भाग खड़े होंगे। आप सोचिए कि अगर आप आरपीसी चेयरमैन को जानते हो तो मतलब ये अपनी खुद के खिलाफ एक एप्लीकेशन राज्यपाल को आई थी, उसकी जांच नहीं करा सकते, इतने कमजोर व्यक्ति हैं ये तो। ये तो चुपके चुपके चोरी करने वाले लोग हैं,
या आपका मुकाबला कभी नहीं कर सकते, बशर्ते ये 99% जनता जागरूक हो जाए तो। गुजर साहब ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद गुजर साहब धन्यवाद। कोई सवाल अगर आपका हो तो मैं लेना चाहूंगा। जितेंद्र चौधरी साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इंटरनेट और लाइट में रहें तो हम उनसे बात कर सके या उनके मन में कोई भी सवाल हो तो उस पर बात की जा सके। जितेंद्र चौधरी साहब शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, मैं दूसरे साथी को जुड़ने की कोशिश करता हूं। राजेंद्र जी पारिक हैं, राजेंद्र जी पारिक का रिक्वेस्ट आया था, मैं उनको जोड़ता हूं। परिवहन विभाग में आपने क्योंकि चुप्पी पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं कोई साथी, परिवहन विभाग में आपने क्योंकि शायद चुप्पी ऐसा पूछ रहे होंगे, सत्य विष्णु साहब पूछ रहे हैं कि गोवर्धन सिंह क्यों चुप है। भाई परिवहन विभाग छोड़ो, ऐसा कौन सा विभाग राजस्थान का है जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है? आप मुझे बताइए, जब कांग्रेस को कभी भी पैसों की जरूरत पड़ती है, प्रोग्राम करने की जरूरत पड़ती है, तो दो नाम सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। एक तो शांति धारीवाल जो जैन है, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, और दूसरा बड़ा नाम है प्रताप सिंह जी खाचरियावास। ये दो ही लोग हैं जो कांग्रेस का कोई भी बड़े कार्यक्रम में जब फाइनेंस की जरूरत पड़ती है ये सब लोग आगे मिलते हैं। आज अशोक गहलोत साहब के पास 1.5 साल से कोई नहीं मिल सकता है, आप पता कर लीजिए, 1.5 साल से अशोक गहलोत साहब अज्ञातवास में हैं, बाहर नहीं निकले, कोई नहीं मिल सकता। जिसको मिलना है देवाराम सैनी साहब से मिलिए, वही तय करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देवाराम सैनी से मिलकर के आगे मैसेज कराने वाला काम है, लेकिन शांति धारीवाल सीधा जाकर मिलते हैं। क्या योग्यता है उनमें? योग्यता यह है कि अशोक गहलोत साहब को या कांग्रेस को कभी भी फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था कर लेंगे। वो कहां से कर लेंगे? सारा जुगाड़ सरकार से तो होता है, घर से लाते हैं क्या कमा करके? ये मेरा निवेदन है परिवहन विभाग के संबंध में। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बाड़मेर जैसलमेर जिले में होता है। राठौड़ साहब आपकी जानकारी बढ़ा दूं कि और जिलों में जाकर देखो एक बार, तो आपको लगेगा कि नहीं बाड़मेर जैसलमेर तो बहुत पीछे है। कभी जयपुर आकर देखना, यहाँ तो खेल ही करोड़ों के होते, 1000 करोड़ एक झटके में साफ, 700 करोड़ एक झटके में साफ, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 20,000 करोड़, ये खेल होता है यहाँ पर। तो इसलिए आप चिंतित नहीं हो, खाली बाड़मेर जैसलमेर नहीं है, कोई भी जिला पीछे नहीं है भ्रष्टाचार में। लेकिन जहां सरकार होती है, जहां नेता होते हैं, जहां अफसर ज्यादा होते हैं, वहां जहां मीडिया ज्यादा होती है, इन सब का बंटवारा होने के चक्कर में भ्रष्टाचार भी ज्यादा होता है। मैं राम निवा गोस्वामी जी, मैं उनको जोड़ता हूं। राम निवा गोस्वामी जी, राम निवास होगा शायद, लेकिन ऐसा आ नहीं रहा इसमें। राम निवास जी अगर इंटरनेट में हो तो तुरंत जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस विषय पर अपन ने खूब सारी बात कर ली है। अब हम लोग तीन टुकड़े में काम करेंगे। पहला टुकड़ा है जो जुलाई के 5 दिन बचे हैं, ये अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुंचे, अगस्त क्रांति सैनिक ज्यादा से ज्यादा लोग बने। इसके अलावा अपन जो अभियान चलाएंगे, मुख्यमंत्री को ईमेल करेंगे, नेताओं को भय में डालेंगे कि आप लोगों ने अगर साक्षात्कार खत्म करने के लिए प्रयास नहीं किया ना, तो आप बताइए यस और नो। और अगर आप कहते तो नहीं हमको साक्षात्कार रखना है, तो जनता आपको चुनाव में बताएगी। यह काम भी हमको मिलकर करना है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि तुरंत ही एक घोषणा होगी, कांग्रेस के कुछ मंत्री जाएंगे, कुछ एमएलए जाएंगे, और मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि कल से साक्षात्कार बंद किए जाते हैं, आप भरोसा रखिए। जितेंद्र जी साहू हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इंटरनेट में रहें और कोई सवाल उनका हो तो। जितेंद्र जी साहू, बहुत सारे साथी रिक्वेस्ट तो भेज रहे हैं लेकिन वो शायद इंटरनेट में नहीं है, तो मैं उनसे निवेदन करता हूं जो भी लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो इंटरनेट में रहें। जगदीश डूडी नाम से हैं, जगदीश जी आप इंटरनेट में रहिए, मैंने आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, और आप वीडियो पर लाइव आकर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार सर जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ जगदीश जी, आप बताइए। जी जी बिल्कुल सर, आपको धन्यवाद। हेलो, आपको भी धन्यवाद। साक्षात्कार खत्म करने के संबंध में आपको कोई सवाल हो तो बताइए। जी सर, सवाल तो भ्रष्टाचार का है ना सर जी, ये कब खत्म होगा? अपने कोशिश करेंगे तभी खत्म होगा, आम जो व्यक्ति है वो जागरूक होगा तभी खत्म होगा सर जी, ऐसे कुछ नहीं होगा।
अपने को जागरूक होना पड़ेगा, आम आदमी को जागरूक करना पड़ेगा सर जी। मैं सहमत हूँ आपसे जगदीश जी, जी सर, जी सर, हम भी जगदीश जी हमको मोटिवेट कर रहे हैं, हम हमारे एक मजबूत साथी के रूप में बता रहे हैं। अनिल जी पुनिया साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके रिक्वेस्ट किए तो थोड़ा इंटरनेट में रहें, लाइट में रहें, ताकि हम उनसे बात कर सकें या उनके मन में कोई सवाल हो तो अपन उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। अनिल जी पुनिया, शायद अनिल जी पुनिया आ नहीं रहे। अनिल जी पुनिया अगर हों तो ठीक है, मैं दूसरे साथी को लेता हूँ। रोहित जी सारण है, रोहित जी को मैं ले लूंगा। एक बार बजरंग जी मेघवाल है, मैं उनको लेता हूँ। बजरंग जी मेघवाल साहब, ये इनकलाब का जो काम है ना, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि आप अगर सच्चाई और ईमानदारी से किसी बात को दृढ़ता से कहते हो ना, तो परिणाम आता है, ईश्वर भी हमारा साथ देता है। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, साक्षात्कार खत्म करने में आप सवाल हो तो पूछिए। मैं ये कह रही है, बोलिए बजरंग जी। कह रहा था जो पहले निकले जाएंगे जिस तरह से काफी दिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था है? जिस तरह पहले लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उनको तो नंबरों के अभाव में रख दिया और लोगों को नौकरी लगा दिया, तो उनका रिकॉर्ड मिलेगा? देखिए, अभी अपन जो अगस्त क्रांति आंदोलन चलाएंगे उसमें योजना बताएंगे कि भाई आरपीएससी से अगर आपको कॉपी निकलवानी है या कॉपी का इंस्पेक्शन करना है, उसका प्रावधान बताएंगे, इस तरह से आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जब कॉपियां सामने आएगी तो धांधलियां भी सामने आएगी, क्योंकि ये सारे लोग चोर हैं, इसमें कोई कोई ऐसा जो गड़बड़ नहीं करता होगा। कॉपियां सामने आएगी तो चलेगा कि एक एक पेपर 99.5 नंबर कैसे आ रहे हैं। तो कॉपियां सामने आने दीजिए, लोगों को जागरूक होने दीजिए, दृश्य बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बजरंग जी है, बहुत मजबूत व्यक्ति है। स्वरूप सिंह जी सिसोदिया साहब हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो देखिए, आपको कोई कुछ भी कहे, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, मैं भी कुछ भी कहूं कोई बात नहीं, आप अपनी आत्मा में जो आपके बात जस्ती है उसको ख्याल में रखिए कि सच में ये आरक्षण जो है गरीबों के लिए था। कमीरों नमस्कार स्वरूप सिंह जी, स्वरूप सिंह जी आप सुन पा रहे हैं हमको? स्वरूप सिंह जी शायद कनेक्ट नहीं हो पाए। शंकरलाल जी तर्ड हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो जुड़े। ये इंटरनेट का समस्या है शायद, मुझे लगता है कि बाहर बरसात का या ऐसा कुछ दृश्य होगा जिस कारण से इंटरनेट की समस्या आ रही। कुछ गांव ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या वैसे भी है, तो तरड़ साहब भी नहीं जुड़ पा रहे। चलिए हम लोग अब अंतिम एक दो लोगों को लेकर के और इस विषय को पूर्ण करते हैं। ये है बद्री जी माहिच, बद्री जी सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति लग रहे हैं, और बद्री जी अगर इंटरनेट में होते हैं तो हम उनसे जुड़ते हैं और जुड़ करके कोशिश करते हैं कि उनकी बात का या उनका समाधान या कोई शंका क्वेश्चन जो भी हो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ओहो बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। जयप्रकाश जी पेईवाल साहब को मैं कोशिश करता हूं जोड़ने की, वो बद्री जी नहीं जुड़ पा रहे हैं अपने से। जयप्रकाश जी मैसेज में बार बार कह रहे हैं, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आप मुझे मिल नहीं रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ। जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी आप इस लिस्ट में नहीं है। ओहो हो, लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, शायद इसलिए नहीं दिखाई दे रहे। जयप्रकाश जी मिल गए, जयप्रकाश जी आपको मैंने जोड़ लिया है, आप जुड़िए और साक्षात्कार खत्म होने के संबंध में कोई भी सवाल आपके मन में हो तो बताइए। नमस्कार जयप्रकाश जी। सर सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं जयप्रकाश जी? सवाल था सर। हाँ 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 सर, पूछिए पूछिए। एक सवाल था। हाँ सर, अय्यन का जो अपना इंटरव्यू है आगे है, उसके लिए सवाल था सर।
अभयन का जो मुख्य शासन सचिव द्वारा एक मीटिंग अंदर कहा गया था कि हमारे विभागों द्वारा कहा गया था कि इंटरव्यू हमारे को आवश्यकता नहीं है। हाँ। उसके बाद भी ये इंटरव्यू करा रहे हैं। अब काउंसलिंग एक मंथ से लगातार काउंसलिंग भी करा रहे हैं डॉक्यूमेंट की, तो इस बारे में मेरे को ये पूछना है कि क्या इंटरव्यू होगा क्या अयन का? वैसे तो मेरी जानकारी नहीं है कौन से पेपर की बात कर रहे हैं, उसमें इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन ये तो WRD जिसमें इंटरव्यू अयन में, RPSC का अयन का कह रहा हूँ मैं सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ इंटरव्यू जिन परीक्षाओं में है उनमें ये ले रहे हैं वो इलीगल है, गलत है, नहीं लेना चाहिए, भ्रष्टाचार करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू का दूसरा कोई लॉजिक है ही नहीं। नहीं सर, मुख्य शासन सचिव द्वारा है ना इंटरव्यू के अंदर मीटिंग ली गई थी आईएन की जो है ना आरपीएससी की। हाँ। उसके अंदर भी ये बताया गया था कि इंटरव्यू नहीं लेना है, लेकिन उसके बाद भी काउंसलिंग करा के अब इंटरव्यू लेंगे। वो मुख्य शासन सचिव का नाम है निरंजन आर्य, उनकी पत्नी खुद ही वहां पर आरपीएससी मेंबर है, तो अब पहले हो सकता है उन्होंने कुछ भी कहा हो। हाँ। अब वो जाएंगे इंटरव्यू हो, नहीं तो घर में माल कैसे आएगा उनके। हाँ। मेरी बात समझे, मुझे बताइए आरपीएससी मेंबर या आरपीएससी चेयरमैन वहां कोई गुल्ली डंडा खेलने गए क्या? अगर आप इंटरव्यू नहीं रखोगे तो वहां पर गए किस लिए, काम क्या उनका दूसरा? इंटरव्यू है तब उनके माल है, इंटरव्यू नहीं है तो ये बात है। कोई नहीं, अपन आप जोर शोर से लगिए और इंटरव्यू खत्म करा कर छोड़ेंगे, आप चिंता मत करो, ये नेता बहुत कमजोर होते हैं। धन्यवाद। नहीं, 28 तारीख के बाद तो वो तारीख दे देंगे आईएन की, आरपीएससी की। अरे चिंता मत करो, आईएन की 28 तारीख के बाद तो तारीख, आप जयप्रकाश जी चिंता मत करो, मैदान छोड़ के भागेंगे आप, तो आप हिंद की जय करने में लगे रहिए, एक दिन आपके सामने जल्दी ही आएगा जिस समय इंटरव्यू समाप्त होंगे। धन्यवाद। बहुत सारे सवाल हैं, मैं कोशिश करता हूं, कोशिश की है मैंने आप सबको बताने की, और ये भी कोशिश की है आप लोग जागरूक हों, अपने हक और अधिकार के लिए बोल सके, लड़ सके, और फिर भी अगर मैंने किसी का भी भूलवश इंटेंशनली या बिना इंटेंशनली या गलती से मेरे अगर मैंने किसी का जी दुखा दिया हो तो मैं आप सब से हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य है कि आप सब लोग आपके अधिकार हकों के प्रति जागरूक हों, अंतिम रूप से जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में बेईमानी बंद हो, बेईमानी बंद होने के बाद जो पात्र व्यक्ति है किसी भी कानून का, किसी भी लाभ का, किसी भी आरक्षण का, उस व्यक्ति तक पहुंचे, ये मेरा मंशा है। और कोई सवाल आपके पास? ये एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप हनुमान बेनीवाल के खिलाफ नहीं बोलते हैं। अब ये सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसमें इसको थोड़ा जवाब देने की कोशिश करता हूं। हनुमान बेनीवाल साहब जो है वो जो सांसद है, और जब कोई गलत काम मुझे होता है तो अभी मैं जो जरूरत होती है बोलते, लेकिन एक बात सुनिए, आज कितने नेता ऐसे हैं जो इतनी मुखरता से आरपीएससी में चलने वाले भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं? आपको शायद कम पता हो, लेकिन हबीब खान गौरान के आरपीएससी से निकलने में, उसके जेल जाने में हनुमान बेनीवाल साहब का बहुत अहम रोल था, पहली बार विधानसभा में वही चिल्लाए थे। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब वो जाट की बात आती तो नहीं बोलते, देखिए वो एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन होने के नाते उनका एक वोट बैंक है। आप मुझे बताइए, सतीश पूनिया जी नहीं बोले तो आपको दर्द नहीं होता, CR चौधरी बीजेपी में होते हुए कांग्रेस के पक्ष में बोल जाए तब दर्द नहीं होता, हनुमान बेनीवाल जिनका एक वोट बैंक है उस वोट बैंक को रखते हुए और आरपीएससी अशोक गहलोत वसुंधरा जी या जितने भी बेईमान लोग हैं उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत तो रखते हैं, और अगर बोलने की हिम्मत रखते हैं लेकिन बोलने की हिम्मत के साथ उनके साथ युवा जुड़कर अगर कुछ काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने में उनकी भूमिका आ रही है, और मान लीजिए मैं तो कहता हूं बुरे से बुरा यह है कि अगर हनुमान बेनीवाल जिनकी आप बात कर रहे हैं अगर वह भी कोई गलत करेंगे, कोई विषय आएगा ऐसा, तो निश्चित रूप से सत्य बात बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपकी जानकारी के लिए विष्णुदत्त विश्नोई साहब जो न्यायप्रिय न्यायमूर्ति थे उनके लिए भी तनकर खड़े होने वाले लोगों में से हनुमान बेनीवाल थे। बहुत सारे नेता एक एक दिन बोलकर चुप हो गए थे,
वो जो टीम थी ना युवाओं की जिन्होंने उस मामले को सीबीआई तक पहुंचाया, उनमें भी उन सब युवाओं का अहम रोल है। कमियां किसमें नहीं है? कमियां आपको लगता है मुझमें नहीं है? मुझमें भी कमियां है। तो ये सारे सवाल जो है भटकाने के लिए है। मुझे बताइए, चलिए मेरे में कमी है, हनुमान बेनीवाल में कमी है, लेकिन क्या आपके हकों की रक्षा उससे हो जाएगी? क्या आप मेरी आलोचना करिए, हनुमान बेनीवाल साहब की आलोचना करिए, सतीश पूनिया साहब की आलोचना करिए और जितने लोग हैं उन सबकी आलोचना करें, क्या आलोचना करने से आपको न्याय मिल जाएगा? क्या आपके हकों की लड़ाई के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा, साक्षात्कार खत्म करने के लिए आपको ही मैदान में आना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, भटकिए मत। ये कुछ लोग अटेंशन सीकर लोग हैं, अटेंशन सीकर मतलब इनको अटेंशन चाहिए, इसके लिए कुछ लोग बकवास करते हैं सोशल मीडिया पर। इनको सजा देनी है ना, इनको इग्नोर कर दो, सजा मिल जाएगी इनको। इनको इग्नोर करोगे ना तो ये लोग अपना आप ही तड़प तड़प के खत्म हो जाएंगे। तो अटेंशन सीकर से सोशल मीडिया पर बचना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, उनको उनकी अभद्र भाषा में हमको जवाब नहीं देना चाहिए। जितने भी मेरे शुभचिंतक मुझे देख रहे हैं, मुझे ठीक समझते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो इन अटेंशन सीकर टाइप के लोग जो है, जो वैतनिक कर्मचारी हैं, उस 1% सक्षम लोगों के, उनको इग्नोर करिए और हिंद की जय में ध्यान दीजिए, इनकलाब जिंदाबाद में ध्यान दीजिए, भारत माता की जय हो उसमें ध्यान दीजिए। मैं आपको जल्दी ही परिणाम दिखाऊंगा, आप और हम सब लोग मिलकर के जो रचना करने वाले हैं साक्षात्कार खत्म करने की, आपको जल्दी ही परिणाम मिलेगा कि राजस्थान सरकार ने यानी मुख्यमंत्री जी ने जनता के दबाव में आकर साक्षात्कार राजस्थान की सभी परीक्षाओं से समाप्त कर दिया है। मैं आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आप सब लोग मिलकर भारत माता की जय करें। निश्चित रूप से आपको जल्दी ही वो दिन देखने को मिलेगा जिसमें ये सारे बेईमान, आप बताइए साक्षात्कार खत्म होते ही ये आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर इस्तीफा देकर देकर घर चले जाएंगे, फिर बाद में वहां क्या है? आपको लगता है 1 लाख रुपए तनख्वाह के लिए बैठेंगे कोई वहां पे? कोई भी तनख्वाह के लिए नहीं बैठा है, अटैची में बोरी भरकर जो माल आता है उसके लिए बैठे हैं। ये दलाल जो 23 लाख रुपए ले रहा है ना, आपको लगता है खाली किसी बाबू का 23 लाख रुपए है या किसी मेंबर का 23 लाख रुपए है? मैं दोबारा बोलता हूं, उस 23 लाख में मेंबरों का हिस्सा है, चेयरमैन का हिस्सा है और एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री तक भी जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री गूंगे बहरे होकर इसलिए नहीं बैठे, वो उनको पता है सब कुछ खेल चल रहा है, वो गूंगे बहरे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पीठ पीछे बैक डोर से घर के अंदर वो पैसा आ रहा है। और ये पैसा इनके पास नहीं, ये पैसा पूर्व मुख्यमंत्री के पास भी आ रहा था और केंद्र में यूपीएससी में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है केंद्र के लोगों के पास जा रहा है, इनको भी पार्टी फंड में पैसा चाहिए ना, ये सारा खेल है। आप सब लोग इन सब चीजों से भटकिए मत, भटकना नहीं है हमको, अगस्त क्रांति करनी है, अगस्त आने वाला है और इस अगस्त क्रांति में हमको नागरिकों को मालिक जो है उनका एहसास कराना है। अगर हम ऐसा कर पाए जिसकी संभावना प्रबल है तो दृश्य बदलते देर नहीं लगेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।